पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा इस रूम में बैठे हुए हमारे सीनियर डॉक्टर्स नर्सेस टेक्नीशियन हम आप सबको माउंट आबू की तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से जो हमारी चीफ आदरणीय दादी जी हैं उनके तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं स्वागत आप लोगों ने ऐसे पीरियड में सेवाएं दी है परमात्मा के अलावा कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता है दुख में दर्द में आपत्ति में विपत्ति में जब कुछ नहीं होता है तो सब परमात्मा को याद करते ऐसे पीरियड में जिनके रिश्तेदार पेशेंट को देखने नहीं आते थे जिनका बच्चा पिता बीमार है उसको एक गिलास पानी देने नहीं आता था ऐसे पेशेंट को हमारे डॉक्टरों ने आप सब ने अपने जीवन को हथेली पर रख करके दांव पर लगा करके आप अपने परिवार को नहीं देखा बच्चों को नहीं देखा और आप सब निस्वार्थ कोई जाति नहीं पूछा कोई भेद नहीं पूछा रंग नहीं पूछा कहां का पेशेंट है वो नहीं पूछा हॉस्पिटल में आया उसको ट्रीटमेंट देना है ठीक करना है उसके परिवार में भेजना है एक ही लक्ष्य सभी डॉक्टरों का था तो ये काम तो परमात्मा ही करता है तो इसीलिए समाज सेकंड फ्लोर कहता है डॉक्टर के लिए तो कोई दो राय नहीं है हाँ उसमें कुछ मीडिया कुछ और लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कोई बात नहीं है वो किए लेकिन हमारे डॉक्टर ने रिपोर्ट को सुन करके देख करके अपने प्रैक्टिस को अपनी सेवाओं को कम नहीं किया बल्कि और बढ़ाया तो हमारी संस्था ऐसे डॉक्टरों को हमारी दादी जी का मानना है हमारे पास एक बिल्डिंग एकदम नया बना था 5,000 कलेक्टर आए दादी ने कहा कि क्यों आपको स्थान नई बेटी को उन्होंने कहा कि ये दीजिए उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था दादी जी ने भोजन तीनों टाइम दिया भोजन ही नहीं दिया गया अपना हॉस्पिटल है जीवन तो नहीं दे सकते लोगों को समझना चाहिए डॉक्टर सब कुछ लगा सकता है लेकिन उसको जीवन नहीं दे सकते डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ लोगों ने किया उनकी सोच समझ उनकी वैसे थी आप लोगों ने जो सेवाएं की है उसके आगे हम छोटा सा एक माला पन्ना के मेमेंटो दे दें छोटी सी बात है लेकिन ईश्वर की आज्ञा से परमात्मा की आदेश से आप सबके उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी संस्था ये सम्मान केवल कानपुर में नहीं कर रही है पूरे इंडिया में कर रही है पूरे इंडिया में नहीं बल्कि 140 देशों में हमारी आश्रम है 140 देशों में डॉक्टरों का सम्मान कर रहा है
छोटा हम डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं इससे छोटा सा आपत्ति आई थी जिसको बहुत बड़ा समझ रखते हैं इससे भी बड़े बड़े आपत्ति आने वाली है वायरस आने वाला है इंफेक्शन आने वाला है क्योंकि लोगों के मनोवृत्ति खराब जब तक मनोवृत्ति ठीक नहीं होगी तब तक बीमारियां ठीक नहीं होगी क्योंकि ऐसी लाइलाज वाली बीमारियां आती है कि डॉक्टर हैरान होते हैं क्या करें इस तरह की परिस्थितियां आने वाली है उसमें थोड़ी सी मेडिटेशन का जरूरत हम समझते क्योंकि आप सब डॉक्टर स्वयं मेडिकल प्रकारों से सिखाने नहीं आए लेकिन ये हम आम भाषा में कहेंगे कि जो इम्यून पावर है वो प्रतिकारक शक्ति है वो मेडिटेशन करता जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग किया कोविड होने के बावजूद बाहर आ और जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया और उसी भय में डूबे रहे टीवी देखते रहे इतने लोग चले गए इतने लोग आंकड़ा गिनते रहे वो भी चले गए लेकिन बैठे बैठे कम हो गए कि कहीं हमारा नंबर ना लगे और सबको लगा हो गए तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए सबके लिए जरूरी है लेकिन हमारे कोविड वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स के लिए जरूरी हमारे मेडिकल टीम के 4,500 सीनियर मेंबर है हम लोगों ने मिलकर के रिसर्च किया है जो आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं सर हमारे टेस्ट पेन बता रहे हैं हम कुछ दवाई देते हैं पेन किलर देते हैं ठीक हो जाता है 4 दिन के बाद फिर से आता है टेस्ट नहीं तो आप क्या करते हैं कहते हैं कि आप जाकर के एंजियोग्राफी कराओ वो एंजियोग्राफी कराता है कैथलेट से जाकर के और डॉक्टर एंजियोग्राफी करता है तो देखता है कि भाई आपके 4 आर्टरी ब्लॉक है एक 100% एक 99% एक 85% और वो भी कैल्सिफिकेशन है इसको हम एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते हैं बाईपास सर्जरी भी बड़ा मुश्किल से होगा फिर क्या करें आपको तो ऊपर जाने का ही एक रास्ता है पर कुछ रास्ता नहीं है वो कैच लैब में टेबल पर आया है गाड़ी चला कर आया है ऑफिस से आया है काम करके आया है घर से चल के आया है तो कैच लैब टेबल से नीचे पांव नहीं रखा कैच लैब टेबल पर उसकी आर्टरी ब्लॉक नहीं महीनों से वर्षों से उसकी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक लेकिन फियर के कारण वो नीचे नहीं करता है ऐसे पेशेंट को हम अपने यहाँ बुला करके डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन सिखाया 8 दिन रखा तो एक कदम चलने वाला नहीं उसको 1 किलोमीटर चला कर उसको घर भेजा और उसको कहा कि यही नियम फॉलो करो वो डर से तो डर से वो नियम फॉलो किया परमात्मा को याद किया मेडिटेशन किया डाइट एक्सरसाइज किया 6 महीना में एकदम अपने आप को हेल्दी समझने लगा वो बिना कहे जाकर के एंजियोग्राफी कराया उसको 4 आर्टरी क्लीन सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर से कराया डॉक्टर हैरान होता है भाई आपने कौन सी दवाई किया क्या किया कि आपकी 4 आर्टरी क्लीन है बताता है कि सर हम कोई दवाई नहीं दिए है आपकी जो दवाई थी वही लिए हैं एक्स्ट्रा हम ये दिए हैं कि हम मन पर्याश्रम में जाकर के मेडिटेशन सीखा और अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाया अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया एंगर को छोड़ा तो आज हमारा तो हम चाहेंगे हम ये करेंगे जीवन में बहुत सारी बातें होती है लेकिन एंगर नहीं वो मुक्त होकर के स्ट्रेस मुक्त होकर के निगेटिव को छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करें हम समझते हैं डॉक्टर की लाइफ ऐसी है कि मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मेडिटेशन जब हम कहते हैं तो सबके बुद्धि में आता है कि मंदिर जाना पड़ेगा
गुरुद्वारे जाना पड़ेगा या चर्च में जाना पड़ेगा या कोई ऋषि मुनियों के पास हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषि के जाना पड़ेगा या हिमालय के किसी गुफा में जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बहने ध्यान दें, आप लोगों के लिए भी बताए हैं कि आप उसमें बात ना करें कि आप लोग दो मिनट लोग भाषण करने नहीं आए, प्रैक्टिकल आपको अनुभव सुनाने आए हैं कि मेडिटेशन इतनी जरूरत की चीज है। तो हम केवल हार्ट की बीमारियों पर नहीं, हम भूल न जाएं बीच में एक आपको ये कर देते हैं, 2 से 5 माइंड बॉडी मेडिसिन हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, शिवानी दीदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा टीवी पर चैनल पर, उनका 4 लेक्चर है, 3 दिन आपके साथ रहेंगे, हम आपको इनवाइट करते हैं। और मेडिटेशन के बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन इतना एक इजी टेक्निक है कि उसको करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम 1 सेकंड में आपसे पूछना चाहते हैं, हम अपने बहनों से, डॉक्टरों से, आप अपने मम्मी पापा को याद करें तो आप कहेंगे कि आप अपने लेक्चर बंद करो, मम्मी पापा को याद करने के लिए जा रहे हैं मंदिर को, नहीं कहेंगे ना। आप यहाँ बैठे बैठे अपने मदर फादर को याद कर लिया, बच्चों को देख रहे हैं, कैसे देख, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे, लेकिन आपका घर यहाँ से कितने दूर पर है, मम्मी पापा परिवार आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पहली बात ही देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, थर्ड आई से देख रहे हैं। तो परमात्मा भी हमारा पिता है, उस पिता को याद करने के लिए कुंड लगाने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल केवल उनको जान करके उनको याद करने के आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, ईश्वर की स्मृति में देख रहे हैं, तो दवा तो दे ही रहे हैं, परमात्मा की याद की दुआ दे रहे हैं, तो दवा और दुआ पेशेंट जल्दी क्लियर होगा, आपको दुआएं लेकर के जाएगा। अरे सर के पास गए, थोड़ी सी दवा दिया और हम एकदम ठीक हो गए। तो कहने का मेरा भाव ये है कि इतना यूनिक चीज है, भाई माउंट आबू नहीं आ सकते हैं, हमारे कानपुर में बहुत सारे आश्रम है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको जाना जरूर पड़ेगा, टेक्निक सीखने के लिए, जानने के लिए मेडिटेशन टेक्निक क्या होगा।